एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर स्प्लिट फंक्शन का। स्प्लिट फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर समझ में आएगा ये कैसे काम करेगा स्प्लिट फंक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं ये जीरो लिखा हुआ है। अब यहां पर सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बनाई गई है, ये स्ट्रिंग ही है तो यहां पर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूं, ठीक है, कमेंट कर देता हूं, ये कमेंट है तो ये स्ट्रिंग लिख दिया गया। अब स्ट्रिंग जो है सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है तो यहां पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही लिखा गया, इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट भी है, तमाम चीजें हैं। यहां पे कहा गया है ए डॉट स्प्लिट। अब यहां पर पैरामीटर दिया गया टू, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें स्प्लिट किसको कराना है, टू को कराना, यानी टू को छोड़ करके। अब टू कहां कहां आया है, तीन जगह आया है, देखिए एक तो यहां आया है जरा ध्यान दीजिएगा, फिर यहां पर दो जगहों पर आया हुआ है, यानी ईयर को प्रिंट करेगा, जीरो को प्रिंट करेगा, एट को प्रिंट करेगा, ऑल को प्रिंट करेगा, द को प्रिंट करेगा और डेस्ट को प्रिंट कर देगा। लेकिन 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 यहां पर एक और चीज दी गई है, वो ये है कि अगर मैं ये कमेंट हटा देता हूं तो यहां दिया गया है बी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस और फिर डबल कॉमा में डॉट दिया गया है, मतलब कि ए जीरो के बाद, ए जीरो क्या होगा, ये ईयर जो है जीरो वाला पोजिशन है, यानी इंडेक्सिंग होगी तो यही से होगी, यानी यहां पर डॉट आएगा, यानी ईयर के ठीक बाद क्या आएगा, मैं यहां पे लिखता भी चलता हूं जो आउटपुट आएगा, ईयर के ठीक बाद आएगा आपका डॉट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए वन, यानी ए वन आएगा आपका 2022 आएगा, लेकिन हमें हटाना किसको है, टू को हटाना है, तो यहां पर फिर जीरो के बाद क्या आएगा, जीरो के बाद जो है डॉट आएगा, तो यहां पर जीरो के बाद आएगा डॉट, ठीक है। बाकी एट ऑल द बेस्ट ये दिया गया है ना, तो एट ऑल द बेस्ट ये ऐसे ही प्रिंट करेगा। पहले तो एक बार इसको चलाते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा वैसा ही प्रिंट करके हमें दे रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कॉमा दिखाई देगा, ये कॉमा जानते हैं क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो डॉट है ना इसको एज अ सेपरेटर पाइथन ले रहा है, यहां पे डॉट लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है, तो जहां जहां डॉट आया है उसकी जगह आपको देना है कॉमा, क्योंकि एज अ सेपरेटर कॉमा के तौर पर इसे लेता है, जो भी यहां पे देंगे उसे एज अ सेपरेटर कॉमा की तरह से ये लेगा, ठीक है। अब डॉट दिया है तो ये कॉमा ही प्रिंट करेगा, अगर आप कॉमा देते हैं तब तो कॉमा आएगा ही आएगा, लेकिन सेपरेट करने का मतलब क्या है, अलग अलग करना, तो यहां पर हमेशा जो है देख सकते हैं कॉमा लगाने पर भी कॉमा ही प्रिंट हो रहा है, जो है ये एज कॉमा लगा करके यहां पर ये आपका आंसर आ रहा है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर दो बार डॉट दे देते हैं, अब ये भी एक सवाल होता है कि दो बार डॉट दे देंगे तब क्या आएगा, तो यहां पे दो बार डॉट देने पर जब हम इसको चलाएंगे तो यहां पर कॉमा एक ही टाइम आएगा, देखिए यहां पर कॉमा एक ही बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप दो बार डॉट दीजिए, तीन बार डॉट दीजिए, उसको पाइथन एज अ सेपरेटर यूज करेगा, सेपरेटर यानी अलग करने